सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और मज़ा आ जाएगा आज की वीडियो में। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको इतनी हंसी आने वाली है, बताऊँ क्या हुआ था। मुझे लगा अनलिमिटेड ग्लू वॉल वाला कस्टम है, मैंने खुशी खुशी एक ग्लू वॉल ले लिया। मुझे लगा उसने गलती से 4 राउंड का बना दिया होगा। तो मैं यहाँ पे ग्लू वॉल लेके गया, तभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि बड़ी दुख भरी दास्त है, ये अनलिमिटेड ग्लू वॉल वाला कस्टम नहीं है, क्या ही करें। तो इतने लिमिटेड है, वो भी एकदम क्लैश कोड जैसे कस्टम बनाया, पर कस्टम ही है। तो कस्टम के जैसे खेलेंगे, और यहाँ पे गोल्ड से टीम अप कर लिया मैंने। वैसे भी मेरे पे यूएसपी थी और मेरे को पता भी नहीं था कि इसमें लिमिटेड है मोनो है। गोल्डी ने भी शायद यूएसपी ली थी। अब यहाँ पे ग्लू वॉल लगाऊंगा, ग्लू वॉल भी वेस्ट। और मेरी यहाँ पे स्क्रीन अलग अटक रही है, ये देखना एक ही साइड पे चले जा रहे हैं। तो गोल्डी से बड़ी मेहनत से टीम अप कराया मैंने, 20 HP का दाम है। गाइस पता नहीं मेरी स्क्रीन क्यों अटकती इतनी ज़्यादा। तो कोई नहीं गाइस, अभी गोल्डी और मैं तो एक साथ ही घूम रहे हैं यहाँ पर। देखने से ऐसा लग रहा है हम हार जाएंगे वाला राउंड, क्योंकि हम दो हैं, सामने वाले 3 हैं। चलो गोल्डी से तो कर ही रखा मैंने टीम अप। अरे भाई येलो क्रिमिनल, अरे यार स्क्रीन वैसी अलग अटक रही। अरे गाइस यहाँ पे गोल्डी तो टीम अप ही था बेचारा, यहाँ पे येलो क्रिमिनल ने आके मार गया मेरे को, क्या ही बोले। तो अब देखते हैं हमारा ये वाला राय स्टार नाम का बंदा बंदी टू ले पाता है कि नहीं, असली राय स्टार की तरह खेलता है कि नहीं। तो अभी देखते हैं, सामने क्रिमिनल और 1 टैप, भाई साहब येलो क्रिमिनल को 1 टैप। अभी देखते हैं ये क्या होगा, अभी देखते हैं गाइस की क्या होगा। और क्लोज रेंज में गोल्डी और राय स्टार, यार डिफीट कैसे हो सकती है यार। गाइस अगर एक और गोली मार देता ना गोल्डी को, तो गोल्डी खत्म था यार, पर दोनों एलिमिनेट हो गए एंड मोमेंट पे। चलो कोई नहीं गाइस, राय स्टार के लिए शाबाशी देनी चाहिए, क्या जितवाया उसने। वैसे तो हार ही गए, पर मान सकते हैं जीता हुआ, क्योंकि अच्छा खेला उसने बहुत। और यार एंड मोमेंट पे जो सीन हुआ भाई, अलग ही लेवल का था वो। तो यहाँ पे फार्मर्स ले लिया मैंने, मेरा प्लान पहले से बना हुआ है, ऊपर चढ़ के मारूंगा। तो चलो गाइस, एक बार दिख जाए ऐसी धुलाई करूंगा वो पूरा गोल्डी है यार। फार्मर से चलती है ना, क्या बताऊं, वह बहुत ही अंडररेटेड गन है फार्मर, बहुत कम लोग चलाते हैं। भाई 2 बंदों को डैमेज दिया मैंने तगड़ा वाला। गाइस मैं यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ, वुडन हट से इस वाले ऊपर नहीं, इधर ही रहता हूँ, रुको अभी फिर चढ़ूंगा। यहाँ पे येल्लो क्रिमिनल है सामने, फैब मैडमैक्स भाई अपने सामने येल्लो क्रिमिनल, डबल किल। और भाई ये जो डैमेज दे जा रहे हैं मेरे को बार बार, वो नीचे नहीं आने दे रहे। एक बार हेड लग जाए ना ऊपर से फार्मर्स का मजा आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं नीचे जा रहा हूँ, अब मेरे ख्याल से नॉक हो गया फैब मैडमैक्स भाई, नहीं अब मरे। भाई साहब क्या खेल रहे हैं राइस्टर की तरह। तो अपनी स्क्वाड का बंदा सही है ये, सब समर भाई भी अच्छे खेलते हैं। आप कई हिट डालिए इनके साथ भी, पर आज हम दोनों को फेल कर दिया राय स्टार ने, क्या बोले। तो गाइस यहाँ पे मैंने स्विच नहीं मारी है, क्योंकि मेरे पे एक शॉर्ट रेंज तो पहले से ही है, थॉमसन की जरूरत ही है, और फार्मर्स में स्कोप भी होता है और डैमेज भी सही देती है, इसलिए मैंने फार्मर्स ही रख लिया। और वैसे मेरे पे डबल डैमेज की स्किन है फार्मर्स की। तो चलो गाइस, ये 4 राउंड का कस्टम है, तो एकदम रियल क्लैश स्क्वाड जैसे लगेगा। हम ऐसा मानेंगे कि हम क्लैश स्क्वाड खेल रहे थे, और सामने गोल्डी की स्क्वाड आ गई येलो क्रिमिनल वाली। यहाँ पे गाइस यश नॉक कर दिया, फोन किसका आ रहा है। यहाँ पे मेरे को डेजर्ट ईगल मिल गई है, तो चलो अभी डेजर्ट ईगल भी आ गई अपने पास। सामने 2 हैं और हम 4 हैं, देखते हैं 2v4 क्लच ले पाएगी गोल्ड की स्क्वाड की नहीं।
रुको गाइस अभी एक ही तरीका है, मेरे को वन टैप मारना पड़ेगा येलो क्रिमिनल को। ओ भाई साहब क्या मजा आया, ये सेटिस्फैक्शन है गाइस, ये अलग ही लेवल की है। मैं वन टैप मार रहा हूँ अभी येलो क्रिमिनल को। अगर आपको भी कोई वन टैप मारना और पहले ही मर चुका है तो ये कर सकते हो, बहुत अच्छी टेक्निक है। अब गाइस मेरे को पीछे से किल चुरानी पड़ी है, अरे यार मार ही दिया है राजस्थान ने। मैं तो राजस्थान फॉर्म में लग रहा है। तो चलो गाइस अभी बढ़ते हैं अपने फोर्थ राउंड की ओर। हमारे 2 पॉइंट्स हैं गोल्ड उनके गोल्डी की स्क्वाड के 1। हमारे एक बंदे का तो नेट ही चला गया, 3v4 लेना पड़ रहा है हमें। एक तो बंदों को कस्टम बुला उल्टा ही बैक करके भाग जाते हैं, या हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट काम हो जाए फिर से गया हो। प्रतीक की बुकिंग आ रही है, इससे बड़ी ऐसी को ले लेते हैं, इतनी देर में भेज रहा है। अब गाइस बंदा है वहाँ पे, भाई क्या हेड मारा फार्मर्स का। चलो गाइस एक तो आते ही मार दिया हमने डीएमसी विवेक को, सीधा हेडशॉट फार्मर्स, मजा आ गया। चलो गाइस अब इसकी लूट भी ले लेते हैं जल्दी से, जितना इसने पैसे खर्च करके लूट करी है। गोल्डी मेरे ख्याल से ऊपर चढ़ गया है तो उसका भी तरीका मेरे को पता है, बहुत छुप के मारना पड़ेगा वरना सीधा हेड देता है ऊपर से, तो क्योंकि हाइट एडवांटेज भी है ना उस पर, उसे तो आदत हो चुकी है हमेशा ऊपर चढ़ जाता है इस वाले राउंड में। ये देखो वहीं पे है, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे, मैं कैमोफ्लेज करता हूँ घास मेरे को। अब गाइस 1v3 सिचुएशन है, एक तो नॉक पड़ा है तो फिर 1v3 कह देते हैं, अच्छा लग रहा है बोलने में। तो चलो गाइस गोल्ड ही कहाँ यार, गोल्ड ही दिख जाए। ये गाइस हमारे येलो क्रिमिनल भाई, पहले इन्हीं को मारने चलते हैं। ओ भाई साहब क्या रेड नंबर है भाई, मजा आ गया गाइस, आते ही धुलाई कर दिया। अब 1v1 सिचुएशन है गाइस, 78 का डैमेज, असली नीडर तो मैं ही हूँ भाई कसम से। डैमेज आना चाहिए, अरे नहीं आया यार, शिट यार नेट भी ख़त्म। अब मेरे को शॉर्ट रेंज में फाइट लेनी पड़ेगी, और गोल्डी के साथ फाइट लेना तो बहुत रिस्की है। तो 6 ग्लूअल तो है मेरे पे, डरने वाली बात नहीं है भाई। क्या जंप हेडशॉट था, मज़ा आ गया भाई, मैं चीख पड़ा कसम से, क्या हेड पड़ा गोल्डी वहाँ पे, ऐसे कूदा में और क्या हेड मारा भाई, मज़ा आ गया। हाँ माना कि वो तुक्का था, वो अलग बात है, नहीं नहीं गाइस तुक्का नहीं था, वो गलती से निकल गई मुंह से। सो गाइस मजा आ गया, क्या हेड मारा, कमेंट सेक्शन में ये टाइम्स पर इनके साथ पिन कर देना, मजा आ गया, मैं भी देखूंगा बार बार अब अपनी वीडियो, भाई क्या हेड मारा था वैसे। तो यहाँ पे गाइस मैंने 1v2 कंप्लीट कर लिया है, 1v3 तो कह नहीं सकती क्योंकि वो नॉक जो पड़े थे वो तो फिनिश हो गए थे, रिवाइव भी नहीं करा बेचारे को। तो 1v2 गोल्डी और सामने येल्लो क्रिमिनल थे, दोनों को मैंने अकेले मार दिया। चलो अब मैं ऊपर चलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे बहुत डैमेज है हमारे क्रिमिनल, अरे चोरी भाई कौन कर रहा है, ये राजस्थान का काम है भाई यार, एक गोली जो मारी इसने भाई, पूरे भाई डैमेज दे दिया। अब गाइस ये देखना अटक गई स्क्रीन, भाई देख लो यार गाइस, आपने भी देखा कैसे अटकी मेरी स्क्रीन, छी यार ऐसे नहीं होना चाहिए यार। तो गाइस यहाँ पे समर बहुत चालू निकला है, पहले गोल्डी को एक 90 का मारा फिर ओम को फटका दिया। अब गाइस यहाँ पे समर को मिल चुकी है डबल ओम, क्या कुछ कमाल दिखा पाएगा समर। सामने बस एक बंदा बचा है, वो है डीएमसी विवेक, ऐश में से कोई एक है, डीएमसी विवेक बचा है, देखते हैं कि वो 1v2 ले पाता है कि नहीं। खैर वो भी अच्छा बंदा है वैसे तो, बस देखना पड़ेगा अभी। ट्रिपल किल, तो यहाँ पे समर और विवेक का 1v1, और यहाँ पे समर बहुत ही ओपी तरीके से गेम प्ले दिखाते हुए यहाँ पे नेट फेंकेंगे समर, और यहाँ पे विवेक ने स्काइलर का यूज करके पेल दिया है, और यहाँ पे लॉल दिखाते हुए हमारी स्क्वाड की बेइज्जती करते हुए यहाँ पे गोल्डी की स्क्वाड की जीत कैसे रही है। गाइस अब कमाल दिखाना पड़ेगा,
लग रहा है मैदान के चैंपियन बोल सकते हैं, हाँ मैदान के चैंपियन का अब आने का वक्त हो चुका है। अब गाइस मुझे आना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ करके, ये मैच जितवाना ही पड़ेगा हमारी टीम को। मैं यूँ स्टार प्लेयर अपनी टीम का, अब एक ग्लू वेस्ट हो गई स्टार प्लेयर की ग्लू और वेस्ट हो गई, कोई ग्लू दे दो भाई ठी यार क्या है भाई, राइज स्टार ग्लू दे दे मेरे भाई। ओ भाई 150 कौन मार रहा है, लग रहा है फेमेंट में काम दे। इतना चालू है ना वो गोल्डी भाई क्या बताऊं। यहाँ पे गोल्डी और यश को थोड़ा थोड़ा डैमेज दिया 30-30 करीब का, तो इतना काफ़ी तो नहीं है पर दे ही दिया। दोनों पे स्काइलर है वैसे तो चार्ज कर लेंगे मेरे ख्याल से। यश क्रोनो लाया इस बार, सामने विवेक है जो पिछली बार लॉल दिखा के खुश हो रहा था बहुत, और समर है, तो इन दोनों को लड़ने देते। मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, भागो यहाँ पे गाइस हमारा येल्लो क्रिमिनल है, तो अभी लग रहा है सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या हेड मारा, खोपड़ी खोलते मजा आ गया। लॉल दिखाऊंगा क्रिमिनल को मैं। चलो गाइस अब 2v3 सिचुएशन है, राइस्टर को मार दिया उनने, समर मैं बचे हैं। समर में पीटी रहा है वैसे तो, विवेक ने फिर मार दिया समर को भाई, बेइज्जती कराएगा ये समर तो हमारी। चलो गाइस कोई नहीं, अभी विवेक और गोल्डी बचे हैं शायद, हाँ तो यहाँ पे गोल्डी को तो नॉक कर दिया है मैंने, इसको फिनिश भी कर लेते हैं। अब 1v2 तो कंप्लीट होने वाला है मेरा लग रहा है भाई, ये सही खेलता है वैसे, बच के रहना पड़ेगा। चलो गाइस दो गोली टच करा दिए, लग रहा है बॉडी बॉडी फेल देंगे हम। ओ भाई ग्लू लगा दी ग्लू, अब पीछे से भाग के मार देंगे। तो गाइस अब बहुत क्लोज मूवमेंट और वन टैप, ओपी बोलते गाइस लाइक हो जाना चाहिए वीडियो को, इतना बढ़िया फ्लैश स्क्वाड कस्टम लाया हूँ वो भी येलो क्रिमिनल, और सामने गोल्डी की स्क्वाड थी और मेरी स्क्वाड यहाँ पे थी, तो लाइक हो जाना चाहिए। और प्लीज़ अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, मैं आपको फ्रेंड लिस्ट में ज़रूर लूँगा अगर आप सब्सक्राइब करके शेयर कर दोगे तो, जल्दी से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।